बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था जो सर्दियों की सब्जियां हैं उनको कौन कौन सी सब्जियां हमने लगानी हैं और कौन कौन से बीज थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ अपडेट तो शेयर ही नहीं की कि कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई थी और किस किस तरह लगाई थी। तो मैंने कहा चलें आज मैं घर आई हुई थी वीकेंड पे, तो इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई हुई हैं, कौन कौन सी हमने खा ली हैं और कौन कौन सी रह गई हैं। तो सारी डिटेल मैं आज आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो जी, ये है साग जिसको सरसों का साग कहा जाता है। पंजाब की एक बहुत ही ख़ास रवायत है सरसों का साग और मकई की रोटी। इंशाल्लाह उसकी भी मैंने आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगी। और ये साग के आगे शायद बाथू टाइप की चीज़ लगी हुई है। ये फूल गोभी है और ये एक ही फूल है, बाकी भी पनीरियाँ लगाई थी लेकिन पता नहीं बाकी कहाँ गई। और उसके अलावा ये पालक थी, पालक काट ली हुई है घर वालों ने, थोड़ी बहुत बची हुई है। और ये लहसुन लगा हुआ था और यहाँ पर था सब्ज़ धनिया, बिल्कुल फ्रेश है। इसके पास से गुजरो ना, इतनी मज़े की खुशबू आती है ना। देसी धनिया है, कवर करके ढके हुए हैं ना शॉपर के साथ। ये बेसिकली ना आम के पौधे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो सर्दी की वजह से इनको कवर कर दिया जाता है ताकि ख़राब ना हो। और ये भी जो है वो लहसुन या प्याज टाइप की चीज़, लहसुन लगाया हुआ है। और ये इसके साथ एलोवेरा के प्लांट्स हैं। और यहाँ पर जो है वो मेथी है, मेथी अभी बहुत छोटी छोटी है, थोड़ा सी बड़ी होगी तो फिर इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है या साग वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। और उसके आगे यहाँ पर बहुत काम की चीज़ है, ये है चुकंदर। चुकंदर बेसिकली बीट रूट, मैंने इसके साथ आपके एक जूस भी शेयर किया था ABC जूस जिसमें एप्पल, बीट रूट और कैरेट मैंने यूज़ किया था, जो कि खून पैदा करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका जूस बना के पिए, वैसे खाएं तो ये स्पेशली मैंने इस दफ़ा कहा था कि दो क्यारियाँ इसकी लगाएगा। लास्ट टाइम हमने एक लगाई थी जो कि हमने पूरा रमज़ान तक चली थी हमारी, और अब जो है वो इसकी दो लगाई हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा और लंबा अर्सा चलेगी। और यहाँ पर लास्ट पे पता नहीं कोई न्यू बीज लगाए गए हैं जो कि अब उग रहे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, मुझे इसका पता नहीं है क्या चीज़ है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये क्या चीज़ है। तो ये अब मैं आ गई थी दूसरी तरफ, तो यहाँ पर लगे हुए हैं मूंगरे, शायद इनको मूंगरे या सूंगरे ऐसा कुछ कहा जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये मूंगरे हैं या सूंगरे हैं। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे जो कि अम्मी कह रही थी कि ये पक चुके हैं और अब इनको हम पका नहीं सकते, मतलब पक चुके हैं कि मैच्योर हो चुके हैं, थोड़े यंग हो ना तो उस टाइम पे हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फूल हैं ये मुझे सरसों के ही लग रहे थे, या पता नहीं किस चीज़ के थे, पीले कलर के सरसों के होते हैं, अब मुझे आइडिया नहीं था ये क्या चीज़ है। इसके नीचे जो है वो मूलियाँ लगी हुई हैं, इतना मुझे पता है। ये छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो मूलियों के हैं, मूलियों का इसलिए मुझे पता है क्योंकि मूलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मूली के पराठे बहुत शौक से खाती हूँ। बेसिकली मैं इस मूलियाँ ही निकालने आई थी ताकि इसके पराठे बनाए जा सकें। और फिर मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना लूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये सब्ज़ी हमने लगानी है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन सी लगा ली है और कौन कौन सी रह गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी अंजीर का दरख्त, जो कि वे काफ़ी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज अपनी शेयर की थी, जब अंजीर मैंने एक दफ़ा उतारी थी तो उसकी मैंने शेयर की थी। तो ये हमारे घर के बाहर अंजीर का दरख्त भी लगा हुआ है। और यहाँ पर जी यहाँ पर हैं मूलियाँ और शलजम, ये दोनों मिक्स हैं। अब इसके अंदर एक जो वो होती है ना क्यारी, वो शलजम की है और एक क्यारी जो है ना वो मूलियों की है। मूलियों जो है वो अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, थोड़ी छोटी छोटी हैं। और यहाँ पर ना पानी दिया हुआ था, यानी कि गीली थी ज़मीन, जिसकी वजह से ना यहाँ पर मैं निकालना चाह रही थी मूली और वो मुझसे इजीली निकल नहीं रही थी। पहले मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि मैं उसको हाथ के साथ ही निकाल लूँ खींच के, क्योंकि अगर वो बड़ी हो ना ज़मीन के ऊपर ही पड़ी हो तो हाथ के साथ खींची जाती है, लेकिन क्योंकि ज़मीन गीली थी पानी लगा हुआ था इसलिए हाथ के साथ वो निकल ही नहीं रही थी। तो फिर मैं गई अंदर और जाके अपने छोटे भाई को बुला के लाई जो कि आया हुआ था वीकेंड पर। ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर कि मूली ऊपर है लेकिन मुझसे ज़ोर नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ में वो था। और मैं ये भी हो रहा था मुझे कि मेरा मोबाइल ना गिर जाए, अगर मोबाइल गिर जाता तो फिर मैं आपके साथ वीडियोस कैसे शेयर करती। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मूलियाँ लगी हुई हैं
और इसके अंदर ही आगे जाके थोड़ा सा ना वो शलजम लगे हुए हैं। यहाँ पर कहीं पर थे शलजम, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। और ये जो है ना, ये शलजम है, शलजम तो बिल्कुल ऊपर ही पड़े हुए थे, इसको मैंने हाथ से खींचा है तो वो सारे निकल आए थे, लेकिन 2-3 दिन पहले ही मम्मा ने निकाले थे काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मा मुझे कह रहे थे ना खींचो इनको, ये छोटे छोटे हैं तो अब इनको थोड़े और बड़े हो लेने दो, अभी तो इनके नीचे से और बड़ा होना था, लेकिन फिर मैंने खींच लिए। खैर जी, मूलियाँ जो है वो क्योंकि मुझे निकालनी थी, तो फिर यहाँ पर मैंने अपने भाई को बुलाया कि इसको तुम निकालो और मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना एक हाथ से तो मैं नहीं बना सकती। उसने मट्टी शायद उसे खोद दी और अब मुझे कह रहा था कि खींच लो इसको ना। तो उसने सारी मिट्टी जो थी वो साइडों से निकाल दी हुई थी और अब मैंने इसको खींचा और मैंने निकाल लिया। तो जब तक जी मूलियाँ निकल रही हैं, तब तक मैं आपको दिखाने आई थी, ये हमारे हमसाये जो हैं उन्होंने भी लगाई हुई है सब्ज़ी अपने घर के सामने। तो मैंने कहा चलें जाते जाते मैं इसकी भी वीडियो बना लूँ, ये क्या क्या चीज़ है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कुछ लगा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ मिक्स ही था, क्यारियों का ना मुझे नहीं पता चल रहा था। मैंने कहा चलो जाते जाते ये मैं ये भी दिखा देती हूँ कि ये क्या चीज़ लगी हुई है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। वैसे ये हमारे नेबर्स जो हैं उन्होंने लगाई हुई है। तो यहाँ पर जी मूली फाइनली निकल आई थी और ऐसे ही करके 2-3 मूलियाँ मैंने निकाल ली थी ताकि हम इनके पराठे बना सकें। मैं जब भी वीकेंड पे घर जाती हूँ ना, तो मुझे होता है कि बस संडे वाले दिन मुझे मूली का पराठा मिलना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है मूली का पराठा। और यहाँ पर मूलियाँ निकालने के बाद मैं उसका पराठे बनाने लग गई थी, और पराठे की जो रेसिपी है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन उसकी रेसिपी मैं आपके साथ एक अलहदा से वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए मूली का पराठा। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग तो मुझे जानते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले स्टोरी लगाई थी कि मुझे अपने चैनल का नेम चेंज करना है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें। बहुत से लोगों ने बहुत से यूनिक से नेम सजेस्ट भी किए हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, पहले तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सेकेंड चीज़, आप लोग ने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यू नेम क्या होना चाहिए या चैनल का क्या नेम रखा जाए, तो फिर इंशाल्लाह जो भी नेम अच्छा लगेगा उसको सजेस्ट किया जाएगा और वही नेम जो है वो चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल अपना नाश्ता ले आई थी, मुझे मिंट का ना रायता बहुत पसंद है, तो मैं इसी के साथ जो है वो मूली का पराठा खाती हूँ। कुछ लोग सादे दही के साथ भी खाते हैं, लेकिन मुझे मिंट पसंद है तो मैं इस वजह से मिंट के साथ खाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं करती हूँ इस वीडियो को ख़त्म। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।